आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में बोला गया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ फ्लैटवर्म्स आर। अगर हम बात करें फ्लैटवर्म्स की तो ये होते हैं मेंबर्स ऑफ द फाइलम प्लैटीहेलमिंथ्स। इनके केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो एक्ट करता है ऑस्मो रेगुलेटिंग ऑर्गन की तरह, और इस ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन को हम कहते हैं फ्लेम सेल्स, जिन्हें कॉमनली कहा जाता है प्रोटोनेफ्रीडिया। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला गया है दैट एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ फ्लैटवर्म्स आर मालफिगन ट्यूब्यूल्स। तो मालफिगन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। बात करें ऑप्शन बी की तो गिवन है नेफ्रीडिया, तो नेफ्रीडिया भी इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथ्स होगा एब्सेंट, तो हम कह सकते हैं ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट ऑप्शन। अगर बात करें ऑप्शन सी की तो गिवन है प्रोटोनेफ्रीडिया, जो हमने डिस्कस किया था कि हेल्प करता है इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन इन केस ऑफ प्लैटीहेलमिंथ्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। और लास्ट ऑप्शन में हमें गिवन है नेफ्रॉन, तो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है इन हायर ऑर्गेनिजम्स, और ये होता है बेसिक यूनिट ऑफ किडनीज, तो ये भी हो जाएगा इनकरेक्ट। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन सी प्रोटोनेफ्रीडिया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।